गिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, गिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल राउंडर BSS में। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के लिए सिक्स्थ वाले बच्चों का एक चैप्टर शुरू किया था हमने, मैथ का फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, फाइंड यूनिट डिजिट, कि भाई इकाई का अंक ज्ञात करो। अब ये बात तो आप भी जानते हो कि इकाई का अंक किसी भी संख्या का क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में स्टार्टिंग में आता है उसे हम इकाई का अंक कहते हैं। जैसे कि 1445 एक संख्या है और मैं किसी से पूछूं कि इसका इकाई का अंक क्या है, मतलब कि यूनिट प्लेस क्या है, तो 5 है। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 454 का स्क्वायर, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 454 की पावर 101 इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है वो तो ठीक है, जिनको नियम मालूम है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नियम मालूम ना हो उनके लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा एक इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि पता नहीं ये क्या पूछ लिया। अब मैं 454 को घात 101 से कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि अब आपको जानते हो कि अगर आप इसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस निकालना चाहोगे तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इस स्क्वायर को आपको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप इसमें इकाई का अंक निकाल पाओगे। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको एक मेथड बताई थी, उससे आपको इसे बिना सॉल्व किए हुए ही आप इकाई का अंक निकाल सकते हो। तो मैंने 4 के बारे में आपको बताया था कि मान लो किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 है, मान लीजिए ये है 454, अब इसके ऊपर चाहे 101 हो, चाहे 104 हो, 106 हो, कुछ भी हो, तो आप बिना इसको सॉल्व किए ही इसका इकाई का अंक निकाल सकते हो। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं, और हाँ पिछले वीडियो में मैं आपको शायद 0 और 1 के बारे में भी बता चुका हूं, खैर कुछ नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं 0 1 वगैरह जो भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9 की, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक इनमें से कोई भी है और उसके ऊपर कुछ भी लिखा है, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी, उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो आइए बताते हैं आपको, 0 और 1 ये ऐसी संख्या है, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है और उसके ऊपर 5 है, क्या है 5, या फिर 240 के ऊपर 100 है, कुछ भी है, तो हमेशा जिस संख्या का इकाई का अंक ऑलरेडी 0 है और वो संख्या किसी के साथ मल्टीप्लाई करती है या फिर उसके ऊपर स्क्वायर, रूट, कुछ भी हो रहा है, तो हमेशा उसके उसका जो इकाई का अंक आएगा, जो यूनिट प्लेस आएगा, वो हमेशा 0 ही आएगा, ओके। और जिस संख्या का इकाई का अंक 1 है, जैसे कि 1121, अब इसके ऊपर चाहे आप 1 ले लो, चाहे आप इसके ऊपर 6 ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा इसका वापस जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा, मतलब कि यूनिट प्लेस जो आएगी वो 1 ही आएगी। तो ये एक चीज है जो ध्यान रखना है 0 और 1 के लिए, कि इनका इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप इनको भाग करो, गुणा करो, कुछ भी करो, हमेशा 0 ही आएगा और 1 ही आएगा। फिर हम 2, 3 और हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, 2 की बात करते हैं, कि मान लीजिए किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है एंड उसके ऊपर कुछ घात लिखी है, कुछ पावर्स लिखी है, तो उसका इकाई का अंक मतलब कि यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट होगा। तो यहां पर जैसे कि अगर हम 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 के ऊपर अगर घात 1 है तो हमेशा घात अगर 1 है तो हमेशा क्या आता है, 2 आता है,
दो ही आता है क्योंकि दो की घात एक का मतलब दो, और दो की घात दो है मतलब दो को अपने साथ दो बार मल्टीप्लाई कीजिए मतलब कि फोर, और अगर दो की घात तीन है मतलब कि दो इंटू दो इंटू दो इज इक्वल टू चार इंटू आठ, ये हो गया। दो की घात चार है तो दो को अपने आप से चार बार मल्टीप्लाई करो, ये हो गया सोलह। इसी प्रकार से दो की घात अगर पांच है तो दो को अपने आप से पांच बार मल्टीप्लाई करो, बत्तीस। वहीं पर मैं अगर आपको बताऊं कि दो की घात मान लीजिए छह है तो क्या आएगा, दो को अपने आप से ये हो गया चार और दो छह बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा सिक्सटी फोर। वहीं पर मैं अगर आपको बताऊं दो की पावर अगर सात है तो दो को अपने आप से सात बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा एक सौ अट्ठाईस। वहीं पर अगर दो की पावर आठ है तो क्या आता है, दो को अपने आप से आठ बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा टू फिफ्टी सिक्स, है ना, टू फिफ्टी सिक्स आ गया। तो इसी प्रकार से दो को आप नौ बार और दो को आप बस यही होगा है ना, फाइनली होगा नौ बार। तो अब यहां पर आपको एक चीज को चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक ये करना है कि जब दो की घात एक थी तो इकाई का अंक जो था यूनिट प्लेस वो क्या थी, दो थी। दो की पावर जब दो थी तो यूनिट प्लेस फोर था, दो की पावर जब तीन हो गई तो यूनिट प्लेस आठ हो गया, दो की पावर जब चार हुई तो छह हो गया, दो की पावर जब पांच हुई तो दो हो गया, फिर दो की पावर छह होते ही फिर से चार हो गया, फिर आठ हो गया, इस प्रकार से और आगे बढ़ रहा है। तो एक चीज को आप नोटिस कीजिए, क्या हो रही नोटिस कि एक दो तीन चार अगर हम इस प्रकार से शुरू होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो पहले था दो फिर चार फिर आठ फिर छह फिर दो चार आठ छह दो चार आठ छह, ये इस प्रकार से एक सीरीज बन रही है। कहने का मतलब यह है कि दो का जब इकाई का अंक बनता है तो वो दो चार आठ छ दो चार आठ छ इस सीरीज के साथ बनता है। मैं आपको समझाता हूं और आगे समझाता हूं, है ना, मोस्टली बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा। तो क्या हो रहा है कि जब कभी भी आपको एक ऐसी संख्या मिले जहां पर उसका इकाई का अंक दो हो, मतलब कि जैसे कि 102 और इसके ऊपर एक लिखा है, ओके, इसके ऊपर एक लिखा है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, ये सिंपल है क्योंकि इसका ऊपर क्या है वन है, और किसी का भी वन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या स्वयं ही इसका इकाई का अंक बन जाती है। लेकिन अगर किसी के ऊपर 102 की घात दो है फिर भी आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि दो दुने चार हो जाता है तो इकाई का अंक क्या आएगा, चार आएगा। अगर ये आ गया 102 की घात तीन तो भी आपके लिए आसान है, दो दुने चार, चार दुने आठ, आठ आ गया क्योंकि इकाई का अंक आठ ही आएगा। अब आप चाहे 102 को 102 से मल्टीप्लाई करो या दो को दो से मल्टीप्लाई करो, इसका इकाई का अंक भी चार ही आएगा ना। और पूछा क्या गया है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट इज दिस नंबर, मतलब कि 102 की घात चार में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पूरी संख्या को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ इकाई का अंक ही पूछा गया है तो वो आप शॉर्टकट से भी ज्ञात कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। 102 के ऊपर चार है मतलब कि अगर आपको याद है कि भाई दो की घात जब चार होती है तो क्या होता है, तो क्या आता है, दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो होता है, दो दो चार आठ और सोलह मतलब कि छह, तो आपका क्या आएगा आंसर, सिक्स आएगा कि भाई इस संख्या का यूनिट प्लेस जो होगा वो सिक्स होगा। लेकिन ये तो आसान है और इतना आसान आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा 102 की पावर 51 इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो अब आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई अब ये कैसे करो, तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं अभी, क्या है कि
जब 2 की पावर 1 थी तो 2 आ रहा था, 2 की पावर 2 थी तो 4 आ रहा था, 2 की पावर 3 थी तो 8 आ रहा था, 2 की पावर 4 थी तो 16 मतलब कि 6 आ रहा था, 2 की पावर 5 हुई तो क्या आ रहा था 32 मतलब कि 2 आ रहा था। इस प्रकार से 2 4 6 8 2 4 6 8 इस प्रकार से बढ़ता जा रहा, मतलब कि हर 4 1 2 3 4 हर 4 संख्याओं के बाद फिर से वही चीज रिपीट हो रही है। बस इस चीज को ध्यान रखना है कि भाई 2 जो है इस 2 में हर 4 के बाद संख्या रिपीट हो रही है। तो बस आपको याद क्या करना है कि जब 2 की पावर 1 है, जब 2 की घात 1 है तो इकाई का अंक 2 आएगा, और जब 2 की घात 5 है तो भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। सॉरी, यहां पर 2 आया था तो यहां पर भी 2 ही आएगा, और हर 4 के बाद फिर से 2 आ रहा है, ये याद रखना है। तो अब बस मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। जैसे कि 104, सॉरी 104 नहीं होगा, है ना, 102 है ना, क्योंकि देखो जिसका इकाई का अंक 2 है, जिस संख्या का इकाई का अंक 2 है और ऊपर घात चाहे कुछ भी दे दो, मान लीजिए 51 है, अब क्यों पूछ लेगी भाई इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या करना है आपको 51 के अंदर 4 का भाग देना है। क्यों देना है, क्योंकि हम 2 वाली प्रोसेस को कर रहे हैं। अगर 103 है और ऊपर 51 है तो फिर आपको 4 का भाग नहीं देना है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जिसका इकाई का अंक 2 है, जिस किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है और ऊपर कुछ भी घात है तो उसका इकाई का अंक निकालने के लिए आप सीधा उस घात के अंदर 4 का भाग दो। यहां पर मैंने 4 का भाग क्यों दिया, क्योंकि हर 4 के बाद संख्या वही रिपीट हो रही है, हर 4 के बाद संख्या रिपीट हो रही है, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, लिख देना ठीक है। तो क्या हो गया, 51 के अंदर 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया बताइए, यह गया 12 बार, बार चौक 48 हो गया, और ये हाँ बार चौक हो गया 48 ठीक है, ये आ गया। तो पीछे कितना बचता है आपको ये चेक करना है कि भाई रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर आपने 51 के अंदर 4 का भाग दिया तो गया एक बार, 4 1 1 दूने 8 3, रिमाइंडर कितना बचता है 3, और हमारा काम है रिमाइंडर से, हमें इस 12 से कोई मतलब नहीं है, ओके रिमाइंडर से मतलब है। और अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है, मान लीजिए भाग पूरा पूरा जा रहा है, पीछे रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो यूनिट प्लेस जो बनेगा, इकाई का अंक जो बनेगा वो 2 बनेगा ठीक है। तो मैं आपको नियम बता रहा हूं कि जैसे ही आप घात के अंदर, घात का मतलब होता है जो ऊपर की साइड पावर दी जाती है, उसके अंदर जब आप 4 का भाग दो, तो अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो यूनिट प्लेस होगा 2, रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है, तो यूनिट प्लेस होगी 4, रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है तो यूनिट प्लेस आएगी 8, और अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो यूनिट प्लेस आएगी 6। बस याद रख लेना कि भाई अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक, जैसे कि 302 है, 304 है, कुछ भी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, पीछे 2 होना चाहिए, आगे 300 है, 400 है, 50,000 है, 50,00,000 है, 55,00,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भले ही आपको 1,000 मिल जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ स्टेप नंबर 1 में चेक करना है कि भाई इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई का अंक 2 है तो चेक करो कि भाई 2 है, और 2 का नियम आपको याद है कि भाई सबसे पहला काम करना है कि जो उसके ऊपर जो पावर दी हुई है उसके अंदर 4 का भाग देना है, है ना। तो यहां पर क्या है 1000, तो 1000 में 4 का भाग दे दो। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है एंड रिमाइंडर में 0 बच रहा है, देन आपका जो इकाई का अंक आएगा वो 2 होगा, और अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 4 आएगा, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 8 आएगा, रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है तो 6 आएगा, इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल है, और इस ट्रिक को मैंने खुद ने बनाया है, मैंने किसी से नहीं पूछा है, किसी से मैंने इसको चेक नहीं किया है, खुद ने बनाया है, एंड इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैं खुश हूं, ओके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए
फिर हम तीन की बात करते हैं। ये क्या कहती है कि अगर किसी संख्या का एकाएकांक तीन है, मान लीजिए 4803 मान लीजिए, ये एक संख्या दी हुई है, इसके ऊपर घात दी हुई है आपको 101। अब आप बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। बहुत बड़ा बन गया क्वेश्चन, क्योंकि एक तो 4803 दिया हुआ है, ऊपर से घात भी 101, मतलब कि हमें 4803 * 4803 * 4803 101 बार सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, फिर इकाई का अंक आएगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि भाई तीन है तो तीन को हम 101 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करेगा। लेकिन हमें वक्त को बचाना है, क्योंकि और भी क्वेश्चन बचे हुए पीछे, इसीलिए क्या करना है, शॉर्टकट। अभी मैं शॉर्टकट आपके सामने बनाता हूं, है ना। तो क्या है, तीन की पावर जब एक है तो तीन होता है, तीन की पावर दो होती है तो नौ होता है, तीन की पावर तीन हो सॉरी तीन की पावर तीन नौ, ये हो गया एक नौ तीतियां नौ और फिर तीन इंटू तीन मतलब कि 27 होता है ना, मतलब कि 7। तीन की पावर चार होती है तो तीन इंटू तीन डेट इज 27 81। ओके, जब तीन की पावर पांच होती है तो तीन इंटू तीन क्या हो गया, इसको कर देते हैं ना, 3 8 24 243। ओके, जब तीन की पावर छह होती है तो तीन इंटू तीन क्या हो गया, 3 3 9 4 3 12 6 1 7 729। अब आप ये देखिए, अब आप चाहे तीन की पावर सात कर दो, तीन की पावर आठ कर दो, तीन की पावर नौ कर दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो क्या आ रहा है, जब तीन की घात एक थी तो तीन आ रहा था इकाई का अंक, यूनिट प्लेस क्या आ रहा था, तीन आ रहा था, फिर नौ, फिर सात, फिर एक, ये देखो, फिर तीन नौ सात एक, तीन नौ सात एक, इस प्रकार से रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, तीन नौ सात एक। बस यहां पर भी हर चार के बाद संख्या रिपीट हो रही है, हर चार के बाद तो हो रही है लेकिन ये संख्या अलग है, ये याद रखना है। अगर हम दो की बात करते हैं तो वहां पर क्या था, 2 4 8 6, मतलब कि 2 4 8 6, इस संख्या को आपको याद रखना था, इसको आपको याद रखना था कि भाई अगर दो है तो 2 4 8 6, लेकिन अगर तीन है तो वो होगा 3 9 7 1, इस संख्या को याद रखना है, 3 9 7 1। अब बस प्रोसेसिंग स्टार्ट, अगर दो है तो भी आपको उसकी पावर में चार का भाग देना है, दो में भी उसकी जो घात आ रही थी उसमें चार का भाग था, और अगर तीन है तो भी उसकी पावर में आपको चार का ही भाग देना है। तो देते हैं भाग, एक संख्या लेते हैं 103 की पावर 445, है ना, ये है। अब इसका हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, यूनिट प्लेस निकालते हैं। ओके, तो आइए करते हैं सॉल्व इसको, क्या आता है, यहां पर 103 है मतलब कि तीन है, और जहां पर तीन है इकाई का अंक मतलब कि सबसे पहला स्टेप उसकी घात में चार का भाग दे दो, तो घात है 445, चार का भाग दे दो, हमें मतलब है रिमाइंडर से, यहां पर जो क्वोशेंट आएगा उससे कोई मतलब नहीं, तो चार का भाग दिया, एक बार गया चार आया माइनस जीरो, एक बार गया चार आया माइनस जीरो, पांच एक बार गया चार एक, शेषफल मतलब कि जो रिमाइंडर बचा वो बचा एक, है ना, एक बच गया। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना है कि हमें रिमाइंडर से मतलब है, अगर मान लो भाग पूरा पूरा जा रहा है और रिमाइंडर सिर्फ जीरो बच रहा है तो इकाई का अंक क्या आएगा, तीन आएगा। अगर रिमाइंडर एक बच रहा है तो
तो क्या आएगा 9, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 7, और अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो मैंने एक संख्या यहां पर लिखी थी आपके सामने, क्या थी वो 1 है ना, 1, तो 1 आएगा बस, ये 3 9 7 1, इस संख्या को याद कर लेना कि भाई अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब 3, रिमाइंडर 1 आ रहा है मतलब 9, रिमाइंडर 2 आ रहा है मतलब 7, रिमाइंडर 3 आ रहा है मतलब 1, दैट इज द ट्रिक, यही शॉर्टकट है, और यहां पर शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो वक्त जाहिर हो जाएगा, क्वेश्चन भी छूट जाएगा, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बेकीमती है ना। चलिए तो आज हम एक संख्या और ले लेते हैं, क्योंकि 4 के बारे में आपको बता चुका हूं, 0, 1, 2, 3 के बारे में आपको बता चुका हूं, अब 5 की बात करते हैं, एंड देन आज का वीडियो यहां पर खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक प्लीज कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो यह लिख के बता दीजिए कि सर जय हिंद मैं खुश हूं। ओके चलिए तो 5 की बात करते हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट 5, अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस इकाई का अंक 5 है और उसके ऊपर कुछ भी घात आपको मिल रही है और पूछा जा रहा है कि भाई इकाई का अंक यूनिट प्लेस क्या होगा, तो क्या होगा देखिए, तो सिंपल एंड साधारण 5 का नियम है, कुछ नहीं कहता, 5 के ऊपर घात चाहे 1000 हो, चाहे 55 या फिर 5065, कुछ भी है संख्या, कुछ भी, अगर इकाई का अंक 5 है और ऊपर 1000, 1 लाख, 50 लाख, 25 लाख, कुछ भी है, हमेशा यूनिट प्लेस 5 खुद ही आएगा, 5 के लिए 5 खुद ही आएगा, आप चाहे तो चेक कर लो, हमें कोई फॉर्मूला कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ओनली वन शॉर्टकट इज देयर, अगर 0, 1 या 5 है तो हमेशा इकाई का अंक वो खुद ही आएंगे, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है और ऊपर कुछ भी घात है या फिर मल्टीप्लाई है कुछ भी है तो हमेशा उसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक 0 ही आएगा, अगर 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, ये तीन एक ऐसे सिंबल्स हैं जो किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक है तो उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, भाग दो, तो ये खुद ही आएंगे, चेंजेस नहीं होंगे। ओके लेकिन 1 में अगर आप भाग दो तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन 0 और 5 में आप भाग दो तो भी वही संख्या आएगी। ओके तो ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगता है तो वीडियो के नीचे लिखकर बताइएगा, और जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है उसके अंदर आपको एक फीचर आपको मिल रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप खुद जानते हो क्योंकि यूट्यूब से या फिर एंड्रॉइड ऐप से यहां से हमारे को कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, और आप खुद जानते हो कि यूट्यूब चैनल को आपके लिए फ्री में रखने के लिए, आपको कोचिंग फ्री में देने के लिए, वेबसाइट को रन करने के लिए, होस्टिंग रन करने के लिए, एंड्रॉइड ऐप को रन करने के लिए, आपके लिए नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतना काम करने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, इसीलिए जो एंड्रॉइड ऐप है उसके अंदर हमने आपको बहुत सी जानकारी, बहुत से फीचर्स दिए हैं, वहां पर आपको एक फीचर अभी मिल रहा होगा कि भाई प्रीमियम का, क्योंकि मोस्टली बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर आपके एंड्रॉइड ऐप में जो जो एड्स होती है वो बहुत ज्यादा आती है, तो अगर आप ये एड्स बंद करना चाहते हो तो अभी हाल फिलहाल वहां पर कुछ ऑफर्स हैं, फिर ये ऑफर्स महंगे भी हो सकते हैं, तो उन ऑफर्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने ऐप के अंदर 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीने के लिए जो एड्स हैं उनको बंद कर सकते हैं, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके तो जरूर आप ये कीजिए, इससे हम जो भी हमारे को पैसा मिलता है उससे हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय इसरो, धन्यवाद, जय भारत।